अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव साइन में आप सबका फिर से वेलकम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जी जेड मशीन के बारे में कि उसे कैसे ऑन किया जाता है, उसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और उसे प्रिंटिंग के लिए कैसे रेडी किया जाता है। तो आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि जी जेड मशीन में प्रिंटिंग के लिए फ्लेक्स रोल कैसे लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और जानिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्स रोल को मशीन के रोल पॉइंट पर रखते हैं। सबसे पहले इसको ये स्टिक के अंदर से हम मशीन के ऊपर लगाएंगे। ये स्टिक, इसे वेट कहते हैं। जो वेट, वो वेट जो मतलब के फ्लेक्स रोल को इकट्ठा नहीं होने देता, प्रेस हो के आगे जाते हैं ताकि आगे पेंटिंग के लिए कोई इशू ना बने, हेड के लिए कोई इशू ना बने। क्योंकि मशीन का जो प्रिंटिंग हेड होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ये रोल आगे लग गया है, देखिए इसको खींच के बिल्कुल प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये लीवर होता है, लीवर लगा देंगे तो आप मीडिया बिल्कुल फिक्स हो गया। उसके बाद ये वेट है, वेट को लगा देंगे तो ये मीडिया बिल्कुल प्रेस रहेगा। और इससे ये ऑटो का बटन होता है, इसे ऑन करें तो ये मशीन की मोटर होती है वो ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद ये सेंसर के आगे मीडिया चला जाएगा, मतलब कि जितना प्रिंटिंग के लिए मशीन को चाहिए होगा सिर्फ उतना ही मीडिया आगे जाएगा, उसके बाद सेंसर उसे रोक लेगा। ठीक है, तो ये रेडी हो गया है। अब ये साइड पे कॉर्नर पे इसके स्पॉट्स लगा देंगे ताकि ये साइड कॉर्नर से भी हेड को ना लगे, प्रिंटिंग खराब ना हो। अब हमारी मशीन प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।